दोस्तों नमस्कार। दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कुछ तो मिला में। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से हम ट्रेवल संबंधी, ऐप संबंधी और इंटरनेट संबंधी जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि अचानक कभी फ़ोन खो जाए या कभी डेटा हमारा या फ़ोटो डिलीट हो जाए तो वो हमें नहीं मिलती, तो इसके लिए इन सबको सेव करने के लिए हमको कुछ ऐप्स डाउनलोड करने होंगे जिससे आपका डेटा, फ़ोटो, वीडियो सब सेव हो जाएगा। इसी के विषय में आज जानेंगे। तो दोस्तों आज आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लें और नीचे जो रेड कलर में बेल आइकन दिया हुआ उसे ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों स्मार्टफोन से जुड़ी सबसे कीमती चीज़ उसमें स्टोर आपका डेटा होती है। अगर अचानक स्मार्टफोन खो जाए, चोरी हो जाए या फिर किसी वजह से ख़राब हो जाए तो फ़ोन का डेटा वापस नहीं मिलने वाला। आप चाहें तो कुछ ऐप्स की मदद से अपनी कीमती डेटा को हमेशा के लिए सेव कर सकते हैं। फ़ोटो, वीडियो से लेकर नोट्स और फाइल्स तक आप सेफ रख सकते हैं और डिवाइस बदलते ही आपको डेटा दूसरे डिवाइस में मिल जाएगा। आपको केवल इन ऐप्स का इस्तेमाल करना होगा। तो सबसे पहला ऐप्स है गूगल फोटोज। दोस्तों आपने इसका नाम भी सुना होगा। अपने स्मार्टफोन में अभी यह ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और इसकी मदद से आपके फ़ोटो और वीडियो क्लाउड पर स्टोर हो जाएंगे। आप अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन करके किसी भी डिवाइस पर फ़ोटो वीडियो देख पाएंगे और यह ऐप पूरी तरह फ्री है। आप चाहें तो गूगल फोटोज ऐप पर सेव करने के बाद फ़ोटो वीडियो अपने डिवाइस से डिलीट भी कर सकते हैं क्योंकि वो उसमें आपका सेव हो जाएगा। दूसरा ऐप है ड्रॉप बॉक्स। किसी प्रोफेशनल के लिए डेटा मैनेज करने का ड्रॉप बॉक्स एक बेहतरीन जरिया है। टीम और इंडिविजुअल यूजर्स के लिए इस ऐप पर अलग अलग प्लान मिल जाते हैं। डेटा क्लाउड पर मैनेज होने के चलते डिवाइस के साथ डेटा खोने का डर नहीं रहता। इस ऐप पर कुछ फ्री सर्विसेज तो मिलती ही हैं। 14 दिन का फ्री ट्रायल भी लिया जा सकता है। फ्री ऐप पर 2 GB स्पेस आपको डेटा के लिए मिलता है जिसे ऐप पर अकाउंट बनाकर आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों तीसरी ऐप है गूगल ड्राइव। आपने इसका नाम सुना होगा। अपने डिवाइस का ढेर सारा डाटा खोने के चक्कर से छुटकारा चाहिए तो गूगल ड्राइव ऐप की मदद लीजिए। इस पर आपको 15 GB का स्पेस मिलता है जिस पर आप ज़रूरी डेटा सेव कर सकते हैं और डिवाइस खोने या गुम होने का कोई भी मतलब टेंशन नहीं रहेगा और आपका डेटा ड्राइव में सेफ रहेगा। आप चाहें तो एडिशनल 100 GB स्पेस भी खरीद सकते हैं और इसके लिए आपको 130 रुपये प्रति माह या फिर 1300 रुपये सालाना कीमत चुकानी पड़ेगी। दोस्तों चौथी है एवर नोट। आप चाहते हैं कि ज़रूरी नोट्स किसी भी हाल में गायब ना हो तो इस ऐप की मदद ले सकते हैं। इस ऐप में अकाउंट बनाने के बाद आप अपने नोट्स ना सिर्फ क्लाउड पर सेव कर सकते हैं बल्कि कई दस्तावेज डिवाइस पर एक साथ नोट को एक्सेस भी किया जा सकता है। यह पॉपुलर ऐप फ्री और पेड दोनों तरह के प्लान्स के साथ आता है। आपकी जैसी सुविधा आप वैसे ले सकते हैं। दोस्तों अगली ऐप है गूगल कॉन्टैक्ट्स। स्मार्टफोन या सिम में सेव कॉन्टैक्ट नंबर आपको कभी खोना नहीं चाहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण आपके नंबर होते हैं। आपको सिर्फ इतना सा काम करना है कि गूगल प्ले स्टोर पर जाकर गूगल कॉन्टैक्ट्स ऐप इंस्टॉल करना है। इसके बाद ऐप सेटअप अपने आप होने के बाद आपसे सारे कॉन्टैक्ट्स गूगल अकाउंट पर सेव हो जाएंगे जिन्हें आप कभी भी contacts.google.com पर जाकर या फिर दूसरा फ़ोन में भी एक्सेस कर सकते हैं। और अगली ऐप है गूगल कीप नोट्स। अगर आपको नोट्स बनाने और डिवाइस में कुछ लिखते रहने का शौक़ है तो यह ऐप आपके काफ़ी काम की साबित हो सकता है। गूगल के इस ऐप पर आप कोई भी नोट या टेक्स्ट लिखें तो यह क्लाउड में स्टोर हो जाएगा। अपने जीमेल से लॉगिन कर आप कभी भी अपने नोट एक्सेस कर पाएंगे। ऐप में आपको नोट्स से लेकर लिस्ट तक बनाने का और किसी नोट्स में मीडिया फाइल सेट करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। दोस्तों ये थी कुछ ऐप्स जो आपके बहुत काम आने वाली हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर यह आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों आपका दिन शुभ हो।